हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्ट। तो गाइस, आज मैं आपको गूगल एड्स पे बिलिंग एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। थोड़ा हमें कन्फ्यूजन लगता है कि भैया बिलिंग एक्टिविटी क्या, कैसे कट रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। हमें लगता है कि हमने इतने पैसे ऐड करते इतने तक चल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या है असल में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको। एक एक करके मैं ईजिली चलूँगा आपके यहाँ। और देखिए, लेटेस्ट डेट वाइज यहाँ से सॉर्टेड हो रखा है। ये मैंने गूगल एक अपना सैम्पल अकाउंट खोल रखा है, इसमें हम यहाँ पे एक्सपैंड करके देखते हैं डेट वाइज। सबसे पहले यहाँ पे एस्टिमेटेड सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी के दिखा रहा है अक्टूबर 1st लेके अक्टूबर 13th तक। यानी कि जो जीएसटी बेसिकली लगता है, आपको पता है गूगल पे या फेसबुक पे आप एड्स चलाते हैं तो आपका जीएसटी लगता है। तो उसका अमाउंट गाइस यहाँ पे दिखा रखा है, क्लियरली मेंशनड है, ये इतना है और ये इतना है, टोटल इतना हो जाता है। और फिर रनिंग बैलेंस, यानी कि जो करंट अवेलेबल बैलेंस होगा इस डेट के एंड में, वो इतना होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, करंट मंथ नंबर्स आंट अपडेटेड इन रियल टाइम, ये लिखा रहता है गूगल ने। तो बेसिकली गूगल ने अपने आप को एक क्लीन चिट दे दी है कि भैया लाइव काउंटर पे कुछ आपको लाइव चाहिए, एकदम से अप टू डेट नंबर्स चाहिए आपको तुरंत वाले, तो वो आपको नहीं मिल सकते। आपको एक दिन पहले कहीं मिलेंगे या हो सकता है कुछ घंटे पहले कहीं मिले। अगर आपको चाहिए कि इस सेकेंड का मुझे बताओ, तो गूगल वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्यूरेट जो हमें मेजर करना होता है कि कितनी कॉस्ट हमारी बैठ चुकी है पर डे की, वो थोड़ी कभी कभी टफ हो जाती है इस चक्कर में। लेकिन कोई नहीं, जितना भी गूगल हमें मेजर करने को दे रहा है, हम इसको कोशिश करेंगे अच्छे से देखने की। यहाँ पे मैं एक और डेट को फिर एक्सपेंड करता हूँ। और यहाँ पे जो भी बेसिकली मेरी कैंपेन्स रन हो रही हैं, आप देख सकते हैं वीडियो कैंपेन है ये, और ये भी एक वीडियो कैंपेन है। उन कैंपेन्स का यहाँ पे नाम आ गया है, और इन कैंपेन्स का नाम आके मेरे को बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि अक्टूबर 13th को मेरी जो डिस्कवरी एट DS की कैंपेन रन कर रही है, ये अक्टूबर 13, यानी कि जो आज की ही डेट है बेसिकली, उसने भैया 470 रुपीज़ खर्च करे हैं इस डे में। तो चल के देखते हैं एक बार कैंपेन पे, क्या ये सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, मैं डिस्कवरी एट DS की कैंपेन पर आ गया हूँ। ओवरव्यू पर मैंने क्लिक कर रखा है और डेट सिर्फ अक्टूबर 13 सेलेक्टेड है। और आप कॉस्ट देख सकते हैं 491 यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और एक बार फिर से हम चल के यहाँ देख लेते हैं 470। तो इसका मतलब क्या है गाइस, ये बिलिंग जो है अपडेट नहीं हुई है। अक्टूबर 13 अभी भी चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, और गूगल ऐड का ये वाला डैशबोर्ड अपडेट हो चुका है। हो सकता है जब मैं रिफ्रेश करूँ तो ये अपडेट हो जाए। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, हो सकता है ये अपडेट हो सकता है ये ना हो। देखिए गाइस, अभी तक ये अपडेट नहीं हुए हैं, बेसिकली वही बात है क्योंकि गूगल ये रियल टाइम में नहीं दिखा रहा है। तो कल तक हम देखेंगे इसको, कल तक ये ज़रूर अपडेट हो जाएगी क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट यहाँ पे, तो इसको गूगल को ओपन रहना ही पड़ेगा वरना गूगल के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया गाइस, ये कैंपेन्स हमारी रन हो रही है, इतनी कॉस्ट आई है एक दिन की। और फिर आप यहाँ पे क्लिक्स भी देख सकते हैं, जो कैंपेन हमें बेसिकली क्लिक्स दी हैं कैंपेन ने। और उसके बाद यहाँ पे जो रनिंग बैलेंस है, वो बेसिकली हमारा जो GST कटा था उससे पहले और ये कैंपेन रन होने से पहले इतना बैलेंस दिखा रहा है। देन हम चलते हैं गाइस एक और डेट पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मेरी 4 कैंपेन्स रन हो रही थी, तो यहाँ पे चारों कैंपेन्स का इंडिविजुअली आप देख सकते हैं, इंट्रैक्शन में क्लिक्स मेंशन है और कॉस्ट भी मेंशन है हर एक कैंपेन की, यानी माइनस में बेसिकली इतनी कॉस्ट खर्च हुई थी, इतना बैलेंस हमसे कटा था। और क्रेडिट्स देख सकते हैं गाइस, क्रेडिट्स बेसिकली गूगल हमें पैसे वापस कर देता है, जो कि क्योंकि ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम है, कभी कभी क्लिक्स ज़्यादा हो जाते हैं, कभी गलत क्लिक्स हो जाते हैं, तो उनका बेसिकली एक तरह से रिफंड होता है जो गूगल छोटी मोटी पेमेंट हमें करता रहता है। ये ऑनेस्टली कोई बड़ा अमाउंट कभी भी नहीं होगा क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये आपको नोट कर सकते हैं आप इस बात को कि गूगल भी आपको थोड़े बहुत पैसे जो है रिटर्न करता रहता है ऑनेस्टी के नाम पर, जैसे भी आप करें। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन है, जो मैंने पेमेंट करी होगी कार्ड से अपने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 मैंने ऐड करे थे। क्रेडिट का मतलब है कि ऐड हुए हैं, यानी 7 रुपीज़ भी ऐड हुए थे, 15,000 रुपीज़ भी ऐड हुए थे, और इधर कोई कॉस्ट नहीं है इस डेट पे। तो गाइस सर से आपने देखा जो बेसिकली बिलिंग का डैशबोर्ड है, बिलिंग एक्टिविटी का, गूगल कैसे प्रोवाइड करता है, और ये नीचे जाता रहेगा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड स्टोर होता है सारा, आप देख सकते हैं ग्रुप बाय टाइप में करके। मगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाता है और फिर हम एक्सपैंड ऑल कर सकते हैं। तो आपको जो है डिटेल वर्जन देखिएगा कि क्या क्या एग्जैक्टली कहाँ कहाँ के पैसे कटे हैं मेरे, कहाँ कहाँ मैंने ऐड करे थे। तो और एक और चीज़ जो है, यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन दे रहा है, इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं बेसिकली क्लिक्स, इंप्रेशन, कन्वर्जन, लीड, ये सब आपको अगर ऐड करने हैं तो आप अपना कॉलम सेट क्रिएट कर सकते हैं या यहीं पर ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, इस डाउनलोड का ऑप्शन गूगल आपको देता है, यहाँ पे आप एक्सेल, CSV, TSV, PDF काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको किसी अपने क्लाइंट को भेजना या किसी अपने दूसरे जने को ये रिपोर्ट भेजनी है तो आपके पास पूरा जो है रिकॉर्ड रहता है और आप इजीली इसको
सेंड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस डाउनलोड मैंने कर लिया रिपोर्ट और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा डाउनलोड करी है रिपोर्ट। देखिए आप, इतनी ज़्यादा लंबी रिपोर्ट डाउनलोड करके दे दी है गूगल ने। और यहाँ से आपको इजीली किसी को भी रिकॉर्ड भेजना हो, रिटर्न में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। गूगल ने कब कब पैसे काटे, किस कैंपेन के लिए काटे, क्या क्या टैक्सेस गए हैं आपके, किस डेट को, तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। कोई आपसे कहे गाइस अगर मेरे ज़्यादा पैसे कट रहे हैं, आपको लगता है कि गूगल ज़्यादा पैसे काट रहा है, ऐड कम चला रहा है, तो एक बार आप इधर आके ज़रूर चेक करें। और लंबी रिपोर्ट है, थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन आप अगर आराम से इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्लियरली यहाँ पे हर चीज़ रिटन है। इसमें कोई भी घफलेबाजी करने के गूगल के पास ऑप्शंस नहीं है। और देखिए गाइस, अगर आपको और भी पहले जाना हो तो अब यहाँ से आप और भी पहले जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको गूगल देता है अपनी बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऑप्शन। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।